मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन, नक्षत्र, तिथि, योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और ऐसा रोज का पंचांग किसी ज्योतिष के माध्यम से अगर आप सुनते हैं तो नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन हम अंदर बाहर से पूरे शुद्ध होते हैं तो हमारी वास्तु शास्त्र के अनुसार है तो हमारी पूजा अर्चा धर्माचरण सब कर्म शुद्धि हमारी अगर शास्त्र के अनुसार है तो हम इसके पात्र जरूर बन जाते हैं दोस्तों। दोस्तों, अब आपको पंचांग कल का सुनाने जा रहा हूं। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का गुरुवार, तारीख 8 जून 2023, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोवन, आयन उत्तर, ऋतु ग्रीष्म, मास ज्येष्ठ, पक्ष कृष्ण, तिथि दोस्तों पंचमी तिथि है, शाम 6:59 के बाद यानी 7 बजे से लेकर षष्ठी तिथि को आरंभ होगी। नक्षत्र दोस्तों श्रवण नक्षत्र है, शाम 7 बजे से लेकर धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों इंद्र योग है, शाम 6:58 के बाद वैधुति योग आरंभ होगा। करण दोस्तों कौलव करण है, सुबह 8:24 के बाद तैतिल करण शुरू होगा, शाम को 7 बजे गरज करण शुरू होगा और सुबह कल सुबह 5:38 के बाद वनिज करण आरंभ होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह कुछ इस प्रकार है। सूरज वृषभ राशि में होगा, चांद मकर राशि में, बृहस्पति मेष राशि में और शनि कुंभ राशि में होंगे दोस्तों। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस प्रकार रहेगा। आगमन 6:02 पर और निगमन शाम को 7:14 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार से हम आज की पूजा का संकल्प छोड़ते हैं। इसके लिए आप अपनी दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल ले ले, थोड़े चावल और एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले ले और ये छोटा सा संकल्प है पूजा का, वो बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभो रात्न्य प्रवर्तमान सद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रवाणी शालिवान शक 1945 प्रभवादि षष्ठी सवत्सरों में शुभम नाम सत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्षे गुरुवार वास श्रवण नक्षत्रे ऐन्द्र योगे कौलव करणे पंचमी शुभति तो मनुगोत्र में उत्पन्न मैं कड़प्पा मोह पात्र दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अभी आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 8:24 तक है। इसके बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है तो आपको ऊपर वाले पंचांग का सहारा लेना होगा दोस्तों, क्योंकि इस समय के बाद पंचांग बदल रहा है। अन्यथा आपका संकल्प गलत हो जाएगा दोस्तों, वो लागू नहीं होगा। दोस्तों, अभी धार्मिक विधियों के लिए कुछ मुहूर्त दिए गए हैं, उन मुहूर्त उन विधि और वह मुहूर्त हम अभी देखेंगे दोस्तों। इसमें सबसे पहले सगाई तथा मंगनी के लिए
मुहूर्त दिया है तारीख 8, 11, 12, 13 और 14। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 8। नामकरण के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 8, 10, 12 और 14। मुंडन या चूड़ा कर्म के लिए मुहूर्त दिए गए तारीख 8 और 14। गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 8, 10, 12 और 14। जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त दिए गए तारीख 8। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त दिए गए तारीख 8, 11, 12, 13 और 14। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त दिए गए तारीख 8, 10, 12 और 14। भूमि पूजन तथा पायर भरण के लिए मुहूर्त दिए गए तारीख 14 और 15। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको कोई भी देवी देवताओं की करनी है तो इसके लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 8, 12 और 14। दोस्तों, इन ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है, इसे जानकर ही आप अपने लिए मुहूर्त चयन करें, किसी पंचांगधारी से या ज्योतिषी से या किसी पंडित के माध्यम से। दोस्तों, इन मुहूर्तों के अलावा अपने तरीके से कोई भी मुहूर्त पंडित के सहारे निकालने की कोशिश मत करिए। दोस्तों, अपने हिसाब से मुहूर्त निकालने के लिए ज्योतिषी को या पंडित को जबरन मजबूरन ना करें। दोस्तों, पंचांग में दिए गए इन मुहूर्तों के अलावा और भी कुछ मुहूर्त हटके दिए गए हैं, जैसे कि गौण काल है, आपातकाल, चातुर्मास काल, कुछ ग्रहों का अस्तकाल, इनका भी आप चयन ना करें, क्योंकि यह मुहूर्त आम जनता के लिए नहीं होते हैं, इमरजेंसी लोगों के लिए होते हैं जिन्हें विधि ताबड़तोक करनी होती है। दोस्तों, जैसे कि किसी को विदेश जाना होता है या परलोक जाने वाले की इच्छा पूर्ति के लिए या किसी दुल्हा दुल्हन को जबरदस्ती से रिश्ते में बांधने के लिए। दोस्तों, इस इमरजेंसी मुहूर्त काल में संपन्न होने वाले धार्मिक विधि से हम कितना खुश हो पाएंगे, कुछ कहा नहीं जाएगा। इन मुहूर्त में कुछ कमी की वजह से उल्टे हमारे दोष बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दोस्तों, अभी पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों शाम 7 बजे के बाद अच्छा दिन है। दिन विशेष दोस्तों, सूरज जो है वो मृग नक्षत्र में जा रहा है। दोस्तों, और 7 बजे के बाद दग्ध योग है दोस्तों, जो अशुभ काल है। अगर इस काल में किसी छोटे बच्चों का जन्म होता है तो उसकी शांति 12 दिन करनी पड़ती है पंडित के सहारे अपने घर पर ही दोस्तों, वरना आगे चलकर आपको मुहूर्त निकाल के इसकी शांति करनी बहुत जरूरी होती है दोस्तों, क्योंकि यह अशुभ काल है, दग्ध योग है, अच्छा नहीं है। दोस्तों, अग्निवास जो है तो अग्नि धरती पर शाम 7 बजने के बाद है, उसके पहले अग्नि नहीं है, उसके पहले आप कोई नया यज्ञ या कर्म का नहीं कर सकते। दोस्तों, जो रेगुलर है वही कर सकते हैं। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है। दोस्तों, इस काल में भी आप अपने राहु की डर की वजह से अगर आपको लगता है कि मेरा काम नहीं होगा तो आप वो काम और किसी समय में करें, ताकि आपको उस काम में यश मिल जाए। दोस्तों, संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वह शत प्रतिशत संबंधित देवती देव शत प्रतिशत फलदायी होती है, क्योंकि हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचार से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स जरूर देना है। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। शुभ शंभू, हरि ओम शिवा महादेव।